अच्छे होंगे गाइस। हम चल रहे पैदल यात्रा गारू गंगोत्री से जा रहे सीधा ऑल ओवर राजस्थान में गारू गांव में गाइस, है ना। बहुत दूर ट्रेवल करना है अभी से। ये चल रही गंगा मैया चल रही है गाइस, गंगोत्री से आ रही है हमारे साथ साथ। इसके ही सहारे से हम चल रहे हैं यहाँ पे। हमें कोई रास्ता वस्ता नहीं पता है कि गाँव के रास्ता जाना है, गाँव के रास्ता नहीं जा रहा है। हर हर महादेव बोले। गाइस कैसे हो, आई हो पपच्चे होंगे गाइस। हम चल रहे पैदल यात्रा गारू गंगोत्री से जा रहे सीधा ऑल ओवर राजस्थान में गारू गांव में गाइस, ट्रेवल करना है अभी से तो हम 10-5 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर चले हैं, ज़्यादा चल गए वैसे तो। और अभी तो थकान महसूस होने लगी है यार। एक साथ ये रहा है ना, अब तीन आगे चल रहे दिखाता हूँ आपको, वो चल रहे और साथी आ रहे पीछे, 10-12 साथी और आ रहे पीछे, है ना। वैसे पुल आ गया, पुल के नीचे आपको गंगा दिखाता हूँ। गंगा भैया कितनी ज़ोर से गंगा भैया चल रही है, देखो देखो ये चल रही गंगा मैया चल रही है गाइस, गंगोत्री से आ रही है हमारे साथ साथ। इसके ही सहारे से हम चल रहे हैं यहाँ पे। हमें कोई रास्ता वस्ता नहीं पता है कि गाँव के रास्ता जाना है, गाँव के रास्ता नहीं जा रहा है ना। बहुत तगड़ा नज़ारा है गाइस यहाँ पे यार, है ना। और भी लोग आ रहे पीछे 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 रह गए, वो हम आगे निकले आए हैं ना। अगर ये गंगा मैया नहीं होना गया तो गाइस हम पहुँच भी नहीं सकते, क्योंकि गंगा मैया के सहारे से ही है ना हम वहाँ पे जा पहुँच पाएंगे। पहले यहाँ से जाएंगे गाइस, पता करके जब बताएंगे, गाँव का नाम भूल गए हम, है ना। वैसे सीधा यहाँ से जाएंगे हरिद्वार, हरिद्वार का मेन पता है, वहाँ पे जाना है हमें शुरू में, है ना। और आगे की डिटेल आपको फुल ब्लॉग में मिल जाएगी, अभी से ब्लॉग शुरू हुआ है। आगे का नज़ारा देखते जाए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, गलत बोल गया था सॉरी गाइस, है ना। सब काम कर देना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने भाई के लिए, है ना। पैदल यात्रा पर निकले हैं, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इस हमें। एक बोला ये आ रहा हमारा पीछे से ना, और 8-10 बोले पीछे से गाइस, हम 14 बोले है ना। जय बोलेगी गाइस, बहुत ही कठिनाइयों को पहाड़ों पे चढ़ रहे गाइस, बहुत ही ऊंचाइयों पे चढ़ रहे, देख सकते हो आप, है ना। ओ यार आजा बोले, और बोले कहाँ रह गए, और बोले कहाँ पर है, और बोले कहाँ पे पीछे आ रहे, कितना पीछे रह गए वो, आधा किलोमीटर पीछे गाइस, आधा किलोमीटर पीछे। हम उनसे कम से कम 1 किलोमीटर आगे हैं वैसे, है ना। तो गाइस चलो ट्रेवल करते हैं आगे यार, है ना। गाइस यहाँ पे थोड़ा रुके थे, झरना वरना बह रही है, और हमारा एक साथी पीछे भी रह गया था, थोड़ा वो आ रहा है ना, उसे आने थे जब चलते हैं। बहुत बढ़िया झरना बह रही है गाइस, बहुत ही शुद्ध पानी आता है यहाँ से, वहाँ देखो कितना शुद्ध पानी आ रहा है। क्या बोल रहा है, यहाँ पर बह रही है, इधर की साइड देखो, इधर से पानी आ रहा है ना, इधर की साइड जा रहा है, नीचे हो गया ना, उसमें नाला लगा हुआ है ना मोटा वाला, उधर की साइड जा रहा है, ये आ गया। क्या बोल रहा है भाई, ऊपर से नहीं आ रहा है पानी, अरे इसके नीचे से आ रहा है, पहाड़ के बीच में से आ रहा है, ऊपर से नहीं आ रहा है, अंदर से आ रहा है। कैसे चमत्कार दिखाओ, ये पहाड़ के ऊपर से नहीं आ रहा है, बीच में से आ रहा है, बीचों बीच में से कहीं ना कहीं हो गए, इसमें सुरंग है वहाँ से आ रहा है ये पानी, ये लेकर रहा है, यहाँ के लिए कर रहा है पानी। वैसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ है ना, बहुत मस्त लगती है मुझे, है ना, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ होती है। आपको कैसी लगती है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना, और प्यारे प्यारे से कमेंट भी किया करो ना यार, जिससे है ना हमें भी मोटिवेशन मिले थोड़ा थोड़ा। हम भी आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो बनाए ना भाई, लोग बहुत पीछे रह गए 10-12 लोग, हम गाइस बहुत अगड्डी आ। गाइस मुझे कमेंट करके बताओ, ये पेड़ में ये दिख रहा है ना क्या खाने का है, कि क्या है, कोई सेब है या फल है, क्या चक्कर है, ये कमेंट करके जरूर बताना। ये पेड़ क्या है, नहीं जा सकते हम, तो कांवड़िया वाले होते हैं ना तो पीछे नहीं जाते। वहाँ पे बहुत तेज झरना चल रही है गाइस, सांस भी फूल तो जा रहा है थोड़ा थोड़ा, सांस हैरान हो रही है गाइस, हैरान हो गए यहाँ पे, पैर दुखने लगे हमारे, पता हो तो 15 किलोमीटर चल लिए, 15 किलोमीटर में ना पैर दुखने लग गए अभी तक, तो 1000-2000 किलोमीटर तय करना है पूरे ठेठ गांव तक, है ना। जब जाके ना ये पैदल यात्रा सफल होगी हमारी, फुल पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके में चल रहे हैं हम यार, यहाँ पे यार हैरान हो गए यहाँ से। देखो ये रहा, ये फल किसका है इसमें कमेंट करके बताना है, और नजीक से दिखाता हूँ आपको, ये रे एक दो, ये रे देखो, ये रे ये फल किसके,
हमें तो पता नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताना ना। तो गाइस देखो बोले यहाँ पे बैठे हमारे तीन लोग, ये आगे निकले आए। कितनी देर पहले आ गए तुम यहाँ पे? कितनी देर होगी? आध घंटा हो गया। सो गाइस कह रहे हैं आध घंटा हो गया, 5 मिनट हुई है बोला, ये बोल रहा था। तो यहाँ पे ना कावड़ों को जलाते पहले ना, थोड़ा रेस्ट करते, हैरान हो गए बहुत यार। भाई जला लो कावड़ों को, नहीं मेरे कावड़ को खोलता हूँ ना, जलाता हूँ, इसमें जला देते हैं ना, इसको जलाना पड़ता है, नीचे नहीं टेका जाता इसे, अन्यथा खंडित हो जाएगा, और नीचे टेक गई ना तो खंडित हो जाएगा इसे। थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते, भाई लोग आ रहे पीछे तो, और भी कावड़ी आ रहे, बोले आ रहे ना, उनके साथ चलते फिर जो है ना बाद में। नज़ारा देखो यहाँ का, व्यू देखो भाई कितना खतरनाक व्यू लग रहा है ना, देख रहे हो यहाँ पे पुल चढ़ रहा है, रुको आपको बताता हूँ मैं ना। देखो सारे बोले आ गए, आ जाओ भाई आ जाओ। ये क्यों टाका यहाँ पे? देखो भाई यहाँ पे कैसी झरना चल रही है, वाओ ब्यूटीफुल झरना। यहाँ पे बोले कावड़ों को जला रहे, पैदल यात्रा चल रही है, जो मज़ा आ रहा है भाई। मस्त मजा आ रहा है गाइस, ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। ये गंगा मैया ये चल रही है गाइस, यहाँ पे बहुत गंगा मैया चलती है गाइस, बहुत जितनी हो सके ना उतनी। तू यहाँ पे गंगा मैया चल रही है भाई, आराम से चल, वैसे गाड़ी वाला टोक देता वाले गोले को। कहाँ पे रुक रहे भाई? तो गाइस यहाँ पे रुकने के कह रहे हैं बंदे, बोले रोक रुक, रुक। यहाँ पे रूम वूम लेंगे तो बोले, यहाँ पे रूम लेने के कह रहे हैं। हुआ डिसीजन रूम की बात, डिसीजन है रुकने रुकने का डिसीजन नहीं हुआ कभी से? हो गया हो गया, यहीं पे रुकेंगे आज, यहीं रुकेंगे, यहीं रुकेंगे गाइस, यहीं पे रुकने बोल रहे हैं ऐसे तो ना। यहाँ पे रूम का डिसीजन हो रहा है। सो गाइस हम यहाँ पे रुक चुके हैं ना, यहाँ पे हमको रूम वूम मिल गया था तो यहाँ पे रुक चुके हैं हम। कावड़ वावड़ अंदर हमने जला दिए, भीतर आराम से, तो यहाँ से सुबह निकलेंगे। आज का ब्लॉग यही था, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने भाई को इसी सपोर्ट करते रहना। ओके अगले टूर पर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ना, जब तक लिए बाय बाय गाइस, शेयर करना, जय भोले की बाबा, जय भोले।